यहाँ पर तीनों का चार चार टाइप्स होता है। देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इफ यू आर फाइन, सो आई एम आल्सो फाइन। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट टेंस। टेंस गाइस, स्पोकन इंग्लिश का ये भी एक टॉपिक है टेंस। टेंस जो है स्पोकन इंग्लिश का बेस है, क्या है, बैकबोन है इंग्लिश का, इंग्लिश का जड़ है। यदि टेंस ही नहीं पता होगा तो हम सेंटेंसेस बोलेंगे कैसे, ओके। तो टेंस जो है वो स्पोकन इंग्लिश का क्या है, जड़ है, बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, ओके। तो हम यही सीखेंगे आज इस वीडियो में टेंस, ओके। तो चलिए आपको बताते हैं टेंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टेंस जो होता है वाकई में जो इसका मीनिंग होता है टेंस का, टेंस मतलब होता है टाइम, ओके। टेंस मतलब क्या होता है, टाइम, समय होता है, ओके। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पर टेंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर टेंस के जो टाइप्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। टेंस मतलब होता है समय, क्या होता है, टाइम होता है। तो टेंस मतलब जब टाइम होता है, तो टाइम को तीन ही तरह का बताया गया है। तीन ही तरह से टाइम हो सकता है, एक तो प्रेजेंट और दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर हो सकता है। तो यही तीन तरह का जो होता है टाइम होता है, और इसमें जो होता है फोर टाइप्स होते हैं, चार चार प्रकार होते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, जो टेंस है, जो गाइस टाइम जो है वो है वर्ब का गेम है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का गेम है। टेंस इज द गेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का गेम है। यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप लोग सीख गए, यानी कि टेंस आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने कुछ सेंटेंसेस ले रहे हैं, तीनों टाइम में एक सेंटेंसेस ले रहे हैं, उसमें अभी देखिएगा किस तरह से अभी हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ सेंस चेंज हो जाएगा। अभी देखिएगा, यहाँ पर मैंने कहा वह जा रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट में जब बात करेंगे तो क्या आएगा, है आएगा। अब देखिए, वह जा रहा था, ओके, वह जा रहा था। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर में वह जा रहा होगा, ओके। तो आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर भी वह का ही लिख दिए, और जा रहा है तो यानी कि गोइंग, जब रहे हैं तो ऐसा आता है, तो क्या होता है, कंटिन्यूअस में होता है, तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। अभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जो लोग पढ़े होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही गोइंग, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया ही गोइंग, गोइंग हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर मेन वर्ब लगाना है, क्या लगाना है, मेन वर्ब लगाना है आप लोगों को। मेन वर्ब से पूरा गेम चेंज हो जाएगा, देखिए इसका सेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने मेन वर्ब लिख दिया है तो प्रेजेंट में, यहाँ पर कंटिन्यूअस के लिए प्रेजेंट में क्या यूज किया जाता है, इज एम आर यूज किया जाता है, और यहाँ पर थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या यूज किया जाएगा, इसके साथ यूज किया जाएगा इज, तो यहाँ पर हो जाएगा इज। अब देखिए यहाँ पर इज हमने यूज किया, और यहाँ पर पास्ट है, पास्ट में वाज वर होता है कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जो फ्यूचर में होता है कंटिन्यूअस में वो होता है विल बी, क्या होता है, विल बी होता है। अब यहाँ पर हमने विल बी लिख दिया। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज किया, इसी से पूरा सेंस क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यानी कि जो टेंस है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का गेम है, ओके। तो देखिए यहाँ पर वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, वह जा रहा है ही इज गोइंग, वह जा रहा था ही वाज गोइंग, वह जा रहा होगा ही विल बी गोइंग। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ यहाँ पर यदि मेन वर्ब, यानी कि यहाँ पर 12 टाइप्स होता है, चार चार प्रकार होता है तीनों का मिला करके, तो कितना हो जाएगा, 12 टाइप्स हो गया, चार यानी कि पूरे 12 प्रकार हो गया। अब 12 प्रकार में अपना अपना इन लोगों का क्या होता है, इनका अपना अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब अपना अपना होता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज किया जाता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन यूज किया जाता है। तो यही आपको 12 वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब याद रखना होगा, उसके बाद टेंस आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मेन वर्ब पता होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं टेंस का चार्ट, बताते हैं कि इसका जो है फ्यूचर और पास्ट का और प्रेजेंट का फोर टाइप कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड लेट्स सी द चार्ट, चलिए
चार्ट को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो चार्ट है टेंस का, टेंस चार्ट ऑफ टेंस यानी कि टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमने वर्ब लिया है टाइम और यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो देखिए इसमें जो वर्ब है वर्ब पूरा लिख दिए हैं। देखिए जो प्रेजेंट में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। देखिए चारों का जो है यहाँ पर तीनों का चार सेट टाइप्स होता है। देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है किस तरह से यूज होता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वहाँ पर डू डज होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज हैव होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन। अब देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यहाँ पर डिड या वी टू यूज किया जाता है। जब अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ पर डिड का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ वी टू का यूज किया जाता है। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं आप लोग तो वहाँ पर वी वन यूज करते हैं, उसमें यस या यस जोड़ते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में जो होता है वाज वर्ब होता है, और पास्ट परफेक्ट में होता है हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है हैड बीन होता है। और यहाँ पर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है विल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है विल बी होता है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है विल हैव होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है विल हैव बीन होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम आपको पूरा जो है हेल्पिंग वर्ब बता दिए, ये 12 हेल्पिंग वर्ब में आप लोगों को यही याद करना है बस, ओके। अब देखिए जो है इसके साथ कौन कौन से वर्ब मेन वर्ब यूज किए जाते हैं, तो मेन वर्ब हम आपको बता दें, मेन वर्ब जो होते हैं टोटल होते हैं 4 तरह के। कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं मेन वर्ब के। जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में तो बेसिकली जो होता है फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होता है, उसी में आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो फोर्थ फॉर्म क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म में यस या ईएस जोड़ करके आप लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब के टोटल कितने फॉर्म होते हैं 5 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वर्ब हम लिए हैं, जैसे जब भी इंडेफिनिट आएगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट आए, पास्ट इंडेफिनिट आए, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट आए, तो पास्ट इंडेफिनिट एक्सेप्शन है, क्या है, अपवाद है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है इंडेफिनिट में V1 यूज किया जाएगा, मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म, यानी कि V1 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में गाइज यूज होता है यहाँ पर V2, यहाँ पर V2 यूज होता है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। यहाँ पर देखिए अब जो होता है परफेक्ट में जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है V3, सब में V3 होता है, यानी कि पास्ट में भी फ्यूचर में भी। परफेक्ट में यदि चाहे प्रेजेंट का रहेगा परफेक्ट, चाहे पास्ट का रहेगा, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट रहेगा, सब में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा V3, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर V4 लिखे हैं, तो V4 किसके साथ यूज होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस में, इसमें जो होता है यहाँ पर इसमें सब में V4 यूज होता है, क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ पर भी सब में V4 यूज होता है, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ओके। तो ये रहा चार्ट, यदि ये चार्ट आप लोगों को अच्छे से याद होता है, यदि लर्न होता है अच्छे से, इसको समझे रहते हैं, तो आपको सेंटेंसेस मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंस आपके लिए कुछ नहीं है, ओके। तो चलिए हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताते हैं। सो फ्रेंड लेट सी द एग्जांपल, चलिए एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल जो है लाइट चली गई है, थोड़ा फेस पे लाइट कम पड़ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट जो कंफ्यूजन पॉइंट है गाइस, कंफ्यूज जिसमें होते हैं स्टूडेंट, वही लिए हैं हम। यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर आपको डिटेल से हम अगले वीडियो में बताएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हम आप लोगों को एक एक वीडियो में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ कंफ्यूजन पॉइंट लिए हैं जहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने में कंफ्यूज होते हैं और पास्ट में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए क्या कंफ्यूजन है, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर पास्ट है, ओके। तो यहाँ पर जब सेंटेंसेस मेकिंग करते हैं स्टूडेंट, तो
तो यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर वह खेलता है, वह खेलता है, ता है, ती है, यही पहचान पड़े होते हैं, तो यही पहचान पड़े होते हैं वो लोग, और ता है, ती है, आता है, तो उसमें सिर्फ वो जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है ये, ता है, ती है, आ रहा है। तो हम ऐसा भी सेंटेंसेस आपको बता देंगे जिसके लास्ट में ता है, ती है, ती है आएगा, लेकिन वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस नहीं होगा। ओके, तो ये पहचान आप लोगों का ये 99% गलत है। यहाँ पर 80% तो ये आप लोगों के लिए सही है, मानते हैं, लेकिन 20% इस तरह का सेंटेंसेस नहीं होता है। ओके, तो ये रूल यदि अप्लाई करेंगे, 20% जो सेंटेंसेस होता है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई करेंगे उसमें, तो वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर देखिए, ये हम यहाँ पर ता है, आप लोग पढ़े हैं तो उसी के हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह खेलता है, तो वहां पर वह खेलता है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, ही, यानी कि वह खेलता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, तो यहाँ पर ही प्लेज हो जाएगा, पी एल ए वाई एस, ही प्लेज, यानी कि वह खेलता है, तो यहाँ पर ही प्लेज ये जो है मेन वर्ब है, क्या है, प्लेज मेन वर्ब है, प्ले क्या है, मेन वर्ब है, तो यहाँ पर इसी में यस या यस जोड़ना था आपको। तो यहाँ पर देखिए वह नहीं खेलता है, अब यहाँ पर जो है वह नहीं खेलता है, तो यहाँ पर ही डजंट प्ले, ही डजंट प्ले, यानी कि डजंट जो है यहाँ पर जो है जब नेगेटिव आप बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ये तो अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव में जो होता है सिर्फ आप लोगों को सब्जेक्ट और मेन वर्ब यूज करना होता है। ओके, तो मेन वर्ब में यस या यस जोड़ना होता है, तो यहाँ पर जब नेगेटिव आप बनाते हैं सेंटेंसेस का, तो उसमें डू या डज लगाना पड़ता है, तो डज सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, और डू प्लुरल सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है, तो यहाँ पर ही डजंट प्ले, यानी कि वह नहीं खेलता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह नहीं खेलता है, तो यहाँ पर डजंट यूज होगा, और यहाँ पर मेन वर्ब यूज होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो इसको बनाएंगे, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इसको जब बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह बाहर चला आता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है, तो यहाँ पर आएगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डज ही प्ले क्या हो जाएगा, डज ही प्ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज ही प्ले। अब देखिए पास्ट में कैसे बनता है, पास्ट में भी यही चीज होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपको V2 यूज करना होता है, यानी कि V2 का मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यहाँ पर देखिए ही प्लेड, PLAYED, तो क्या हो जाएगा, ही प्लेड हो जाएगा स्टिल। अब देखिए वह नहीं खेलता था, तो यहाँ पर जब आप लोग नेगेटिव बनाते थे तो डू या डज का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर पास्ट है तो डू या डज का जो होता है सेकेंड फॉर्म होता है, क्या होता है, सेकेंड फॉर्म डिड होता है, डू डज और डिड होता है और डन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ही डिडंट प्ले। अब देखिए यहाँ पर ही डिंट प्ले, जब यहाँ पर आपको डिड के बाद जो आएगा, जो मेन वर्ब आएगा, वो सेकेंड फॉर्म में नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि पहले ही हम डिंट जो है सेकेंड फॉर्म यूज कर दे रहे हैं, तो इसलिए सेंटेंसेस में डबल सेकेंड फॉर्म यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, खेलता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड ही प्ले। जब आपका जब यहाँ पर V2 यूज हो जाएगा, तो आप फिर बाद में आप लोग V2 नहीं यूज कर सकते हैं। तो यही था कंफ्यूजन पॉइंट। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। तो कमेंट में बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सो सी यू टुमारो विथ अ न्यू वीडियो। प्लीज टेक केयर एंड बाय।